नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। तो दोस्तों, अगर आप उड़ीसा के रहने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि आप कैसे राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकें, तो दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। यहां पे आपको स्टेप बाई स्टेप गाइड बताऊँगा आप कैसे राशन कार्ड जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो, ऑनलाइन ग्रीवेंस जो है रेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा दोस्तों, हाउ टू अप्लाई राशन कार्ड ऑनलाइन फॉर उड़ीसा स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आप कम्प्लीटली राशन कार्ड जो है उसको ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो राशन कार्ड अप्लाई करने की जो फॉर्म होता है, हार्ड कॉपी जो होता है, उसको फिलअप करके जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है उसके साथ आप ऑफिशियली आपके ब्लॉक में या फिर पंचायत में उसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद ये प्रोसीड्योर यानी कि ग्रीवेंस और कंप्लेंट का जो प्रोसीड्योर है उसको फॉलो करें, ताकि आपका राशन कार्ड जो है जल्द से जल्द मिल सके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में जाए, या फिर आप चाहते हैं तो आप मोबाइल में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा, अगर आपके पास डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है तो उसको ओपन करें और किसी भी ब्राउज़र में google.com में विज़िट करें और उसके बाद सर्च करें उड़ीसा राशन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राशन कार्ड सर्च करें, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी दोस्तों, www.foododisha.in। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट ध्यान से देख लीजिए, www.foododisha.in। तो इसी वेबसाइट में आपको विजिट करना है दोस्तों। अभी आपके स्क्रीन पर फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से जो वेबसाइट की गई है दोस्तों, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, राइट साइड में आप देख सकते हैं www.grs.pdsodisha.gov.in, जहाँ पे ग्रीवेंस लिखा है दोस्तों, वहाँ पर आप क्लिक करें। ये जो लिंक आपको दिया गया है दोस्तों, ये लिंक ध्यान से देखिए, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो अभी आपके स्क्रीन पर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो है एक पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। नाउ क्लिक ऑन रजिस्टर ग्रीवेंस और कंप्लेंट। तो अभी आपको करना क्या है दोस्तों, राइट साइड में देख सकते हैं एक ऑप्शन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, रजिस्टर ग्रीवेंस और कंप्लेंट। ठीक उसके नीचे जो है आपको क्लिक हियर का एक बटन मिल जाएगा दोस्तों, तो वहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जाएगा दोस्तों, डू यू हैव राशन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे केस में राशन कार्ड हम अप्लाई किए हैं लेकिन हमको नहीं मिला है, तो यहाँ पे हम नो चूज करेंगे। अभी आपको करना क्या है दोस्तों, नाउ फिल अप द ऑनलाइन ग्रीवेंस और कंप्लेंट फॉर्म। यहाँ पे आपको कंप्लेंट फॉर्म जो है वो फिलअप करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट डिटेल जो है, जो जो डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछा गया है वो डिटेल्स यहाँ पे आप दे दें। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताऊँगा दोस्तों, सच एज योर आधार नंबर जो है वहाँ पे देना है, और उसके बाद सिलेक्ट स्कीम करना है दोस्तों। जैसे कि मेरे केस में TPDS और NFSA जो स्कीम है वो सिलेक्ट किया दोस्तों, जो कि नॉर्मल राशन कार्ड में ये कैटेगरी यानी कि ये स्कीम में आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि राशन वगैरह पाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है दोस्तों कंप्लेंट कैटेगरी, कंप्लेंट कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कंप्लेंट कैटेगरी की जो स्क्रॉल डाउन बटन है उसको चूज करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राशन कार्ड रिलेटेड जो ऑप्शन है उसको चूज करना है दोस्तों। देखिए राशन कार्ड रिलेटेड ऑप्शन, इसको आप चूज कर लें। देन चूज कंप्लेंट सब कैटेगरी, यहाँ पे सब कैटेगरी जो है वो भी चूज करना है दोस्तों। इन माई केस अप्लाइड फॉर राशन कार्ड एंड नॉट एट रिसीव्ड, अपना राशन कार्ड जो है मैं अप्लाई किया हूँ और मुझे नहीं मिला है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फुल नेम आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, और उसके बाद आपका जेंडर जो है चूज करें। जैसे कि मैं मेरे मिसेस के नाम पर अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे फीमेल चूज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ब्लॉक सिलेक्ट करना है, जीपी और वार्ड सिलेक्ट करना है, उसके बाद विलेज सिलेक्ट करना है, और थोड़े नीचे जो है आपको पिन नंबर जो है यानी कि पिन कोड जो है आपका एरिया पिन कोड जो है उसको एंटर करें, और ठीक उसके नीचे आपको एड्रेस जो है यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों, आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जो है वो टाइप करें, और ठीक उसके नीचे आपको कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन इन ब्रीफ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको कंप्लेंट डिटेल जो है यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है, जैसे कि आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, यहाँ पे आप पीडीएफ या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में या फिर जो जो फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है वो फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद करना क्या है दोस्तों, क्लिक ऑन सबमिट, सबमिट में क्लिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरे केस में आई गॉट एन एरर मैसेज
यहाँ पे जैसे क्या पढ़ सकते हैं, सब कैटेगरी इज नॉट कन्फिगर्ड फॉर एक्सक्लेनेशन और यूज़र फॉर सच कंप्लेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो अगर आप इस तरह का एरर मैसेज पाते हैं दोस्तों, तो आपका जो सब कैटेगरी है उसको चेंज करके आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपका सब कैटेगरी जो है, आपका कंप्लेंट जो है उसी के रिलेटेड हो। तो जैसे कि मेरे केस में मेरे मिसेज के नाम पे ये अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे और एक सब कैटेगरी जो है वो चूज कर सकता हूँ, राशन कार्ड नॉट इशूड इन द नेम ऑफ वुमेन एबव 18 ईयर्स। तो इसको चूज करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे चूज करने के बाद सबमिट में क्लिक करें, और उसके बाद आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके में क्लिक करना है। तो सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक टोकन नंबर आपको मिल जाएगा। वो टोकन नंबर आप नोट डाउन कर लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आप स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर और टोकन नंबर देके आपका जो कंप्लेंट स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, आप कैसे ऑनलाइन राशन कार्ड की जो ग्रीवेंस है या फिर कंप्लेंट है उसको कैसे रेज कर सकते हो, कैसे कंप्लेंट कर सकते हो ऑनलाइन। तो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल जो है मिल गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। जय हिंद दोस्तों।